वहीं यूक्रेन के चर्निव शहर में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। फौज ने चर्निव में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखी, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें पूरा शहर मलबे में तब्दील दिखाई दिया। रूसी सेना के हमले में कई इमारतें ध्वस्त दिखी। चर्निव में पुतिन की फौज ने इतने बम गिराए कि कई इमारतें जमींदोज़ हो गई तो आधी टूटी हुई नजर आई। 22 दिनों से जारी जंग में रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम और मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की एयर स्ट्राइक में ही एक ही परिवार के 3 बच्चों और उनके माता पिता की जान चली गई। रूस से बीते 22 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन के डोनेस्क में 12 बच्चों की मां मारी गई। बताया गया कि ओला सेमिदनोवा नाम की महिला 2014 में यूक्रेन की सेना का हिस्सा बनी थी, जिन्होंने रूस से युद्ध में अपनी जान गंवा दी और अपने पीछे छोड़ गई अपने 12 बच्चे। वो 12 बच्चे जिनमें 6 को ओला सेमिदिनोवा ने जन्म दिया था, जबकि बाकी 6 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था। यूक्रेन की सेना ने उनकी कुछ तस्वीरें जारी की, जिनमें वो वहां की फौज की यूनिफॉर्म में हाथों में हथियार लिए खड़ी दिखी। खबर है कि उनके घर वालों को ओला का शव तक बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जिस जगह उन पर हमला हुआ वहां बेहद खराब हालात बने हुए हैं। जंग में मारी गई 48 साल की इस महिला को मदर हीरोइन अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जो कि यूक्रेन में 5 बच्चों से ज्यादा की मां को दिया जाता है। यूक्रेन की मदद के लिए वहां की फिल्म द गाइड अमेरिका के सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। इसके लिए अमेरिकी सिनेमा मालिकों के संगठन ने इस फिल्म के निर्देशक के साथ समझौता किया, जिसके तहत अब इस फिल्म की कहानी भी अमेरिका में गूंजेगी। एक 127 मिनट की ये यूक्रेनी फिल्म अमेरिका में 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी, जिसकी शुरुआत इसी हफ्ते के आखिर से होगी। साथ ही इस फिल्म से होने वाली कमाई यूक्रेन की मदद के लिए दी जाएगी। ये फिल्म साल 2015 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। फिल्म के निर्देशक अलिस सानिन ने इस फिल्म में दिखाए गए हालात की तुलना रूस के ताजा हमलों से की, क्योंकि फिल्म द गाइड में 1930 के दशक में लिए गए रूस के फैसलों की आलोचना की गई, और ये वो समय था जब रूस को सोवियत संघ कहा जाता था और यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था। ऐसा माना जाता है कि तब सोवियत संघ ने उद्योगों के लिए जो नीति बनाई, उससे यूक्रेन की ज्यादातर उपजाऊ जमीन पर कारखाने खोले गए। इसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन में अकाल पड़ गया और लाखों लोगों की मौत हो गई। सोवियत संघ की इन्हीं नीतियों को इस फिल्म में दिखाया गया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है। गुरुवार को मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मल्टीप्लेक्स के बाहर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी की मांग है कि फिल्म को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री किया जाए, जबकि महाराष्ट्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सोनिया जिसकी मम्मी है, उसने अपने 9 सैनिकों के बदले यूक्रेन के मेलितोपोल शहर के मेयर को रिहा कर दिया। रूसी सैनिकों ने पिछले हफ्ते इस शहर पर कब्जा करने के बाद उन्हें बंधक बना लिया था, जिन्हें करीब एक हफ्ते तक अपने कब्जे में रखने के बाद रूस ने रिहा कर दिया। लेकिन इसके बदले यूक्रेन को रूस के उन 9 सैनिकों को छोड़ना पड़ा जिन्हें जंग के दौरान उसने पकड़ा था, जिसके बाद मेलितोपोल शहर के मेयर इवान फेदोरोव से जेलेंस्की ने खुद फोन पर बात की, जिसमें फेदोरोव ने उन्हें अकेला न छोड़ने के लिए राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले जेलेंस्की ने अपने मेयर की रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्होंने कई देशों से रूस पर दबाव बनाने की अपील भी की थी। रूस पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने 8 देशों का एक नया संगठन बना लिया, जिसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इस संगठन में शामिल ये सभी देश अपने यहाँ रूसी कारोबारियों की संपत्ति जब्त करेंगे, जिसके लिए इन सभी ने मिलकर एक टास्क पोस्ट भी बना ली। यही टास्क पोस्ट रूसी अरबपतियों की जानकारी आपस में बांटेगी। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच एक स्नाइपर से जुड़ी खबरों ने खलबली मचा दी। इस स्नाइपर का नाम वली बताया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर कहा जाता है, जिसके नाम 3.5 किलोमीटर की दूरी पर अपने निशाने को ढेर करने का रिकॉर्ड है। इंटरनेट पर वली के बारे में ज्यादा जानकारियां तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि वली कनाडा का पूर्व सैनिक है। 9 मार्च को वो रूस के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए यूक्रेन पहुंचा था। वली इससे पहले सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन चुका है। इस बार वो जेलेंस्की के बयान सुनने के बाद खुद ही यूक्रेन की मदद के लिए कीव पहुंचा था। कीव जाने से पहले उसका एक वीडियो भी इंटरनेट पर आया था, जिसमें उसने खुद ये कहा था कि वो यूक्रेन की मदद करना चाहता है। 40 साल के वली के बारे में कहा जाता है कि उसका निशाना अचूक है।
माना जा रहा है कि वली की बंदूक ने रूस की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन में वली के ऑपरेशन पूरी तरह खुफिया अंदाज में हुए। एक बार यूक्रेन में पहुंचने के बाद वली की कोई तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन रूस की कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि उन्होंने वली को ढेर कर दिया और साथ में यह भी बताया कि ऑपरेशन मारियोपोल में अंजाम दिया गया, जहां ऑपरेशन शुरू करने के 20 मिनट के अंदर ही वली का अंत हो गया। रशिया इन्फोमा नाम की रूस की इस एजेंसी ने अपने ट्वीट में वली की कुछ तस्वीरें भी लगाई, साथ ही वली से जुड़ी बाकी जानकारियां भी ट्वीट की। लेकिन यूक्रेन की एक एजेंसी ने इसे रूस का झूठा प्रोपेगेंडा बता दिया। सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया गया कि वली तो कभी मारियोपोल पहुंचा ही नहीं। साथ ही लोगों से झूठी खबरों से सावधान रहने की अपील भी कर दी गई। वली कहां है इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन वली से जुड़ी खबरों पर रूस और यूक्रेन की एजेंसियों में खींचतान हैरान करने वाली है। माना जा रहा है कि स्नाइपर वली की बंदूक इस जंग में कहर बरपा रही है। 22 दिन से जारी इस युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के जिस नेटो की सदस्यता पाने के चक्कर में यह पूरी जंग छिड़ी, वो ही यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से लड़ क्यों नहीं रहा। यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनना था और पुतिन उसे बार बार ये ख्वाब छोड़ देने की चेतावनी दे रहे थे, और फिर रूस ने यूक्रेन पर धावा ही बोल दिया। अब नेटो हथियार वगैरह देकर यूक्रेन के साथ खड़े होने का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन जंग के मैदान में अपनी फौज उतारकर वो रूस से सीधे युद्ध छेड़ना नहीं चाह रहा। वो बहुत पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। लेकिन क्यों? रूस तो जंग में अकेला खड़ा है और नेटो के पास 30 देशों की ताकत है, फिर डर किस बात का है? नेटो ने 40,000 सैनिकों की अपनी रिस्पांस फोर्स जंग के इलाके में आने वाले एस्टोनिया, लात्विया और लिथुएनिया जैसे अपने सदस्य देशों में लगाई भी हुई, लेकिन उसे जिस रूस से लड़ना है उसकी करीब 1,90,000 जवानों की सेना यूक्रेन में उतरी हुई, नेटो के जवानों से दुगनी से भी ज्यादा। और तो और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से लड़ने के लिए नेटो को अपने हथियार भी बढ़ाने होंगे और दूसरा साजो सामान की तैयारी भी रूस के हिसाब से करनी होगी। मतलब पिक्चर जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। अमेरिका भी हथियार भेजकर दूसरी तरह की मदद पहुंचाकर यूक्रेन के साथ खड़े होने की कसमें खा रहा है, लेकिन यूक्रेन में अपनी फौज उतारकर वो रूस से सीधे सीधे उलझने से झिझक रहा है। माना सामने रूस खड़ा है, वो अपने परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भी अमेरिका है, खतरनाक परमाणु हथियारों का मालिक, दुनिया की महाशक्ति। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक सेना है, एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन फिर भी वो रूस से सीधे टकराने का जोखिम मोल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि जंग जीतने के लिए ये सब भी काफी नहीं होता। जमीन की हकीकत से वाकिफ होना बेहद जरूरी होता है, और जमीनी हकीकत यह है कि यूरोप में अमेरिका के 74,000 सैनिक हैं, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में फैले हुए हैं। 36,000 अमेरिकी सैनिक तो अकेले जर्मनी में तैनात, लेकिन ये सभी जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फाइटर नहीं हैं। इनमें बहुत से सैनिक मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और दूसरे काम संभालने में लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूरोप में तैनात अपने सभी 74,000 सैनिकों को चुटकी बजाते ही यूक्रेन में डाइवर्ट कर देगा। नेटो की 40,000 सैनिकों की रिस्पॉन्स फोर्स को भी मिला लिया जाए